रूस दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक है। अमेरिका को अगर टक्कर देने की बात कहें तो रूस हमेशा पहले स्थान पर आता है। इस शक्तिशाली देश का राष्ट्रपति भी उतना ही शक्तिशाली है। 18 मार्च को रशिया में राष्ट्रपति पद के चुनाव होने वाले हैं, पर वहां के जो तत्कालीन राष्ट्रपति हैं, जिनका नाम व्लादिमीर पुतिन है, वे कभी हारते नहीं हैं। ऐसा मैं नहीं, 1999 से लेकर अब तक होते आए चुनावों के नतीजे इस बात के गवाह हैं। पुतिन 1999 में पहली बार रूस के राष्ट्रपति बने थे। तब से अब तक 20 सालों में वे मात्र एक कार्यकाल के लिए ही राष्ट्रपति नहीं रहे। वो था सन 2008 से 2012 के बीच। इस कार्यकाल में भी वे सियासत से दूर नहीं थे, वे उस समय देश के प्रधानमंत्री थे। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस का संविधान केवल 2 कार्यकाल के लिए ही राष्ट्रपति बनने की इजाजत देता है। उस समय रूस के राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव थे, जो पुतिन के सबसे करीबी लोगों में से एक थे। 2012 में जब पुतिन एक बार फिर देश के राष्ट्रपति बने तो रूसी संविधान में एक संशोधन हुआ और राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया। अब 2018 में एक बार फिर चुनाव होने वाले हैं और पूरी उम्मीद है कि इस बार भी पुतिन देश के राष्ट्रपति बनेंगे। ऐसा लगता है उनकी हार देखने के लिए हम सबको एक दूसरा जन्म लेना होगा। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। आगे ऐसी ही खास खबर देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।